नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सीवान। रौनियार समाज को जागरूक करने के लिए जन जागरण रौनियार रथ शुरू हुआ है। यह 45 दिन पूरे भारत में भ्रमण करेगा। इसको लेकर आज सीवान के आंधर ढाला स्थित राम नारायण गुप्ता के मकान में इसकी बैठक हुई। इस बैठक में राजू गुप्ता डेहरी निवासी सह बिहार राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचे। आए अतिथियों को फूल माला शॉल देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रौनियार जन जागरण यात्रा जो 5/8/2021 से अपनी टीम के साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, कोलकाता में जाकर अपने रौनियार समाज को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। इसके बाद अब 23/8/2021 से अपनी पूरी टीम के साथ उत्तरी बिहार, छपरा, सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी सहित जिले में जाएगा और रौनियार समाज को जागरूक करेगा। रौनियार जागरण रथ यात्रा दौरा पर है, इसको लेकर समाज को जागरूक कर रही है और एक कह रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब रौनियार समाज राजनीतिक में उतरेगा और हुंकार भरेगा और बहुत बड़ा सम्मेलन करेगा। आए अतिथियों ने कहा कि जो पार्टी रौनियार समाज को मान सम्मान नहीं देगी, रौनियार समाज उसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो सुनिए क्या कुछ कहा आए अतिथियों ने। अखिल भारतीय रौनियार वैश्य महासभा का पूर्व राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय जागरण यात्रा का हम लोग निकाले हैं और मुख्य उद्देश्य है, ये फोटो देख रहे हैं इनका है, रौनियार सम्राट महाराजा हेमचंद विक्रमादित्य, हिंदू का आखिरी सम्राट। और आज तक केंद्र सरकार या बिहार सरकार इसकी एक मूर्ति नहीं लगाई। हिंदू का बेटा, हिंदू का राष्ट्र, हिंदू का आखिरी सम्राट, 24 युद्ध में 22 युद्ध को जीते थे। क्या यही है हिंदुत्ववाद कहने वाला जो महाराजा हेमचंद हेमू की मूर्ति आदमकद कोई हमारा केंद्र सरकार नहीं लगाया और न बिहार सरकार लगाया और देश के गद्दी पर हिंदुओं का अन लोगों का मूर्ति लगाया और क्या बनिया बकाल था, पछफोरना था, डंडी मारता, इसलिए हेमचंद हेमू की मूर्ति नहीं लगाई। क्या देश के अंदर में 1556 में लड़ाई में वह देश का हिंदू का आखिरी सम्राट था, अगर वह जीत जाता तो हिंदू राष्ट्र घोषित होता। उसके कुलभूषण हमें हम लोग रौनियार बैस के लाते हैं। आखिर क्यों वोट बैंक की राजनीति में सिमट गए? मेरा समाज अभी राजनीतिक में नहीं उतरा है, अब तो राजनीतिक में हेमू की मूर्ति लेकर निकला है। गद्दी पर हमेशा बिहार में एक था, निर्दलीय भी बन के मेरा समाज जीता है और अब हेमू का मूर्ति देश में जब ही घूमेगा राष्ट्रीय जागरण मंच और राज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में, तो हिंदुस्तान में जब जलवाएगा तो दिल्ली की सरकार जो बैठी हुई है, मोदी सरकार, उनके टीम भी याद करेंगे कि हेमू का हिंदू आखिरी सम्राट था तो उसकी मूर्ति क्यों नहीं लगी। और अभी अंगड़ाई लिया है सीवान में, सीवान में बैस का नेता वार्ड कमिश्नर बना था, आपने पूछा है, रौनियार का बेटा जब जगा नहीं था, जब जग जाएगा तो आंधी तूफान, आज भी चेयरमैन है, समस्तीपुर का चेयरमैन हमारे रौनियार समाज का है, मुजफ्फरपुर का वार्ड पार्षद नगर निगम हमारे रौनियार समाज का है, आरा का तो अन्य जगह पर है, हमारा सीवान में भी, सीवान में भी हमारा आगे बढ़े। सीवान में रौनियार समाज के लोग अलग वोट बैंक में क्यों बढ़ जाते हैं? वोट बैंक नहीं है, देखिए बनिया पछफोड़ना है और सब हिंदूवाद को भाजपा के साथ है। वोट अगर दूसरों में भी देते हैं तो लोग कहता है कि हमारा भाजपा का वोट देगा और यही भाजपा हमको किया कि हेमचंद हेमू का मूर्ति आज तक नहीं देगा। तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ। पार्टी का गठन करेंगे? कोई पार्टी का गठन नहीं करेंगे, देश में और हक हकूक लेके रहेंगे और जहाँ हमारा मान सम्मान नहीं मिलेगा, राजू जैसे लोग नेतृत्व निर्दलीय उम्मीदवार लड़ाकर जीतेंगे, नहीं तो हरा देने का काम करेंगे। जय रौनियार, जय महाराजा हेमचंद। अपने समाज को राष्ट्रीय पटल पर जो जो भी हमारे समस्याएं रह गई उसको कैसे निराकरण हो, इसके लिए पूरे देश में हम लोग रौनियार जागरण जागरण यात्रा निकाले हुए हैं। अब जैसे हम लोग को छत्तीसगढ़ में ओबीसी का लाभ,
छत्तीसगढ़ की सरकार देती है, लेकिन वहाँ की केंद्र की सरकार ओबीसी का लाभ छत्तीसगढ़ भाइयों को नहीं देती। बिहार में हम लोगों को ओबीसी में है, ईबीसी में नहीं है, तो उसका लाभ हम लोग कैसे मिले। झारखंड में ओबीसी में है, ईबीसी में नहीं है, पूरे स्टेट में, पूरे देश भर में कहीं ना कहीं जो सरकारी स्तर पर रोनियार समाज का जो मुद्दा है आगे बढ़ने का, उसको कैसे निराकरण किया जाए, उसके लिए उसी को लेकर हम लोग जागरण यात्रा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग के समाज के जो निर्धन बच्चे हैं, जो मेधावी हैं लेकिन पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, उसके लिए हम लोग उसको पढ़ाने के लिए भी समाज उसको आर्थिक मदद करेगा। इसी के तहत बहुत से सामाजिक काम हैं, हम लोग इसी सब मुद्दे को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान में यह जागरण यात्रा निकाले हुए हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति में इस समाज की भागीदारी बहुत कम देखी जा रही है, तो उसको लेकर किस तरह से मजबूती प्रदान करेंगे आप? जब हम लोग इस सारे मुद्दे जो हैं जब हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो सवाल स्वाभाविक है कि राजनीतिक सिस्टम में भी हमारा समाज भाग ले। तो सारे मुद्दे जो हैं हम लोग आपस में बैठ कर, जो भी सरकार अनदेखी कर रही है अब वो हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। हर मुद्दे को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग के समाज के अभी वर्तमान में विधायक भी हुए हैं सासाराम से, उन्होंने भी सदन में आवाज़ उठाने का काम किया है। तो बहुत सी समस्या है, बहुत सी समस्या का समाधान भी हो चुका है, तो इसी सब समस्या को कैसे समाधान होगा हम लोग संवाद करने आए हैं। हम लोग पूरे देश में रोनियार समाज संगठित करने के लिए और उसके जो समस्याएं हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, उसका समाधान कैसे निकलेगा, किस स्तर पर निकलेगा, इसके लिए हम लोग संवाद के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। उसके तहत आज हम जो है कि सिवान में पहुँचे। क्या लगता है पहले से अभी के समय में देखा जाए तो एकजुटता ज़्यादा हुई है? हाँ, हमारा समाज एकजुट हुआ है और इसका प्रदर्शन भी हमने 2018 के 30 दिसंबर को बापू सभागार, पटना के बापू सभागार में करीब 30,000-35,000 लोग बिहार के जुट करके हम लोगों ने अपनी मांग को रखा था। हमारे समाज में सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है और राजनीति में तो भागीदारी करीब करीब शून्य के बराबर, जबकि हमारा संख्या बिहार में और देश में 4-6% है। बिहार में हम लोग 6% है और पूरे देश के स्तर पर 4% है, फिर भी हमारी जो है कि भागीदारी न लोकसभा में है न विधानसभा में। आखिर क्यों नहीं है, क्या वजह है उसकी? इसकी वजह है कि हम लोग राजनीतिक रूप से कम जागरूक हैं, सामाजिक स्तर पर ज़्यादा हम लोग कार्य करते हैं, जैसे मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, पॉलिटिकल पार्टियों को पूरी सब्जी बना करके खिलाना, यही सब है। और अपने अधिकार जो राजनीतिक अधिकार चाहिए उसके लिए हम लोग ललायित नहीं है, प्रयासरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका जो बड़े नेता है कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, पूरी सब्जी तक ही सीमित रख दिया आप लोगों ने? इसमें हम लोग नहीं हैं, अन्य लोग भी हैं और यही सब वजह से हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं कि आप लोग भी जो है कि राजनीतिक रूप से सक्षम होइए, संगठित होइए। और हमारा बहुत सारा सोशल वेलफेयर का भी कार्य है, जैसे कि अभी राजू जी ने बताया कि शिक्षा से लेकर के चिकित्सा से लेकर के सारे क्षेत्रों में हम अपने लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं, तो ये सब उद्देश्य है और हम लोग सामूहिक प्रयास से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ तक ही वादे करती है, क्या धरातल पर भी कुछ करेगी? धरातल पर करने के लिए ही निकले हुए हम लोग हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में 45 दिन का हम लोग का दौरा है। हमने झारखंड और छत्तीसगढ़, वहाँ पर हम लोग जन जागरण अभियान चला चुके हैं। आज दूसरा चरण में हम लोग बिहार पहुँचे हैं और बिहार से छपरा से शुरुआत किए हैं, छपरा सिवान आए हैं, मोतिहारी है, पटना है, हर जिले में हम लोग घूम कर करके, चाहे वो दिल्ली हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हर जगह हम लोग जा करके और जो पिछड़े हुए कुछ लोग हैं हमारे समाज के, सभी को हम लोग जन जागरण के माध्यम से एकत्रित कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तो हम विधायक और सांसद का सपना साकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग पूरे
मजबूती एक माला के रूप में हम लोग को कड़ी में जोड़ना है पूरे समाज को, तब हम उसका फायदा हमको राजनीति मिलेगा, राजनीतिक फायदा मिलेगा। ऐसे पहले हमारे समाज को चाहे किसी राजनीतिक पार्टी हो, हम सबको बंधुआ मजदूर के तहत हम लोग काम कराए हैं, बंधुआ मजदूर समझते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। अब आर पार की लड़ाई रोनियार बैस महासभा लड़ेगी, कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन की एकदम उसके लिए हम तैयारी अब कर ली हम लोग। बिहार में किस तरह से मजबूत हो रोनियार, क्या आगे कुछ करेंगे, आगे क्या कुछ करेंगे? इसके लिए पूरे जागरण के माध्यम से मजबूत हो लेंगे, उसके बाद एक महाविशाल रैला करेंगे हर प्रदेश में हम लोग करेंगे, तब हम लोग मांग करेंगे, जिस पार्टी हमको मान सम्मान देगी उस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। देखा जाए तो बिहार में भूमिहार एकता मंच ने भी ललकार किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार के कानों तक नहीं पहुंची, तो क्या लगता है इस बार रोनियार? नहीं, दम खम के साथ अगले विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो उतरेगी मैदान में, उसके आर पार की लड़ाई जाएगी। थैंक यू। रोनियार बाईस ये आर्थिक राजनीतिक सामाजिक शैक्षणिक जो पिछड़ापन है इसको समाप्त करने के लिए ये जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस जागरण अभियान में सारा दौड़े पर हैं, और समाज को एकत्रित करना, जागृत करना और समाज को अपनी जिम्मेवारी समझना समझाना, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, हम समाज के लिए सब करते हैं, सामाजिक काम में हम सबसे आगे रहते हैं, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। उसके लिए सत्ता में हिस्सेदारी दो, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, और इसके लिए रैली करना हो, संगठन करना हो, दौड़ा करना हो, बड़े बड़े सभाएं करनी हो, और ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसी क्रम में ये लोग दौरे पर निकले। लंबे समय से आप व्यवसायिक समाज से जुड़े हुए हैं, सिवान शहर की बात की जाए तो कहीं भी कोई ऐसा नेता नहीं रोनियार समाज का जो किसी मोहल्ले में वार्ड पार्षद तक भी हो, तो इसके लिए आगे किससे लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? ऐसा है कि समाज में हम पहले से भी हम बता ही रहे हैं कि हम वैश्य समाज के लोग हैं और रोनियार समाज पिछड़ा है, उसके लिए हम लोग रणनीति तैयार करके जागृत करके समाज में इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग उत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए संगठित सिवान कर रहे हैं। के रोनियार को किस तरह से एक करके मजबूत बनाएंगे, सिवान रोनियार समाज को एकत्रित करके सबसे पहले हम नगर परिषद का चुनाव में उतारेंगे और वहाँ से हम अपनी राजनीति सफर को शुरू करेंगे। ठीक, थैंक यू। रोनियार समाज को मजबूत बनाएंगे हम लोग सिवान में, पहले अपने समाज को इकट्ठा करके और पहले सिवान के जनता को देखेंगे, बाद में बाहर की जनता क्या करती है उसके ऊपर मैं कुछ विचार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि सिवान के रोनियारों का विकास हो। एक सम्मेलन, एक सिवान में रोनियारों का क्या सम्मेलन होना चाहिए? हाँ, सम्मेलन होना चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि महीने में कम से कम एक बार रोनियार का सम्मेलन हो, और सम्मेलन होने के बावजूद यहाँ पे जितने भी रोनियार बंधु हैं वो चाहेंगे कि एक फंड का निर्माण हो और उस फंड के द्वारा गरीब बच्चों का कल्याण हो, स्कूलों में प्रतियोगिता कराया जाए, हेल्थ शिविर लगाया जाए और जो गरीब हैं उनका आर्थिक मदद किया जाए, जिनका इलाज नहीं हो पाएगा उनको इलाज हम लोग कराएँ, और सिवान में रक्तदान भी हम लोग कराना चाहते हैं, और सिवान में बहुत सारे हमारे अंदर विचार पड़ा हुआ है जो मैं चाहता हूँ कि इन विचारों को मैं आगे लाकर समाज के सामने और लोगों को मदद करने का प्रयास करूँ और रोनियार एकता को आगे मैं बढ़ाऊँ और इसका नाम मैं विश्व और भारत में प्रखर करूँ कि मैं रोनियार हूँ, रोनियारों को लोग जाने। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।